यहाँ दोनों बच्चों की हो रही है पढ़ाई। क्या कर रही हो अर्बिश? ये क्यों फेंका है? अर्बिश को पढ़ना नहीं है ना? हाँ तुम लिखो, तुम लिखो, मैं तुम्हें काम दिया, तुम लिखो। अर्बिश तुम कलरिंग करके दिखाओ, तुम्हें क्यों गुस्सा आया हुआ है, इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? अर्बिश अपने टैबलेट को भी तोड़ रही है ना। अर्बिश ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। चलो आओ मुझे लिख के दिखाओ, चलो मुझे ड्राइंग करके दिखाओ। चलो ये ड्राइंग तुमने की है, ये तुमने की है ड्राइंग, ये क्या किया तुमने? अच्छी से ड्राइंग करके दिखाओ मम्मा को, मम्मा को अच्छी से ड्राइंग करके दिखाओ। चलो चलो शाबाश। क्यों गुस्सा क्यों आया हुआ है इतना, इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? फातिमा तो अच्छी बच्ची, फातिमा देखो काम करके दिखा रही, फातिमा मम्मा को काम करके दिखा रही है, फातिमा अच्छी बच्ची है। अर्बिश को क्या हुआ है? अर्बिश क्यों कर रही है ऐसे? अर्बिश को चलना है बाहर घूमने? हाँ मुझे भी जाना है। हाँ फातिमा को तो चलना है, अर्बिश को नहीं जाना, इसका मतलब अर्बिश को मैं नहीं ले जाऊंगी। अर्बिश अगर मुझे काम करके दिखाओगी तो मम्मा ने दिया है तो फिर अर्बिश को भी मम्मा ले जाएगी, वरना मम्मा नहीं ले जाएगी। चलो कॉपी उठाओ, चलो कलरिंग करके देखो। गुड गर्ल। ओहो इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अर्बिश को, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? चलो फातिमा तुम अपना कंटिन्यू करो काम ना, इसको छोड़ दो, ये गुस्से में है बहुत। यहाँ पे मैंने ये स्लॉट लगा के रखी है, ये नीचे चौकीदार के पास थी, अभी ये लेकर आए हैं ली। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, मैं अभी इसको थोड़ा सा डर्ट भी हो रहा है यहाँ से, ये साफ़ वगैरह करके ये हमने लगाना है टीवी एलसीडी जो है वो लगाना है। ठीक है तो हम लोग ये भी लगाएंगे। अभी थोड़ा सा मुझे घर की डस्टिंग करनी है। और ये लेकर आए नाश्ता, पापे अंडे बिस्किट बच्चों की चीज़ें थी, और मेरे लिए ये बर्गर, तो अभी मैं ये खाऊंगी। ये बर्गर सादा बर्गर है जो कि मुझे पसंद है, साथ में चटनी भी होती है। और खाने में आज मैंने बनाया है सालन, मुर्गी का सालन है और दाल चावल है, मैंने इस तरह खाना बनाया। और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि डस्टिंग कर लूँ थोड़ी सी ना, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जहाँ अर्पिश खड़ी हुई है टेबल के पास और फ्रेंच फ्राइज खा रही है, और उसकी जो चीज़ें हैं अभी लेकर आए तो वो खा रही है। वहाँ पे शाल अपना बैग पैक कर रही है, और उसकी जो चीज़ें हैं फ्रेंच फ्राइज है। फातिमा खा रही हो? चॉकलेट मिला तुम्हें? नहीं ठंडा कर रही हूँ। अच्छा फ्रिज में रखा है चॉकलेट, चलो सही है। तो ये पहले फ्रेंच फ्राइज खाना, ठीक है? फ्रेंच फ्राइज खा के उसके बाद फिर अपनी चीज़ें खानी। हाँ रात में चीज़ें खा लेना, ठीक है? चलो सही। यहाँ पर मैंने ये पूरी टेबल कर दी है साफ। अरे हमारी वीडियो कब वायरल होगी? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? लोगों की तो ऐसी ऐसी वीडियो होती हैं वो भी वायरल हो जाती हैं। हाँ मैं हैरान होता हूँ, नए चैनल बनते हैं तो वीडियो भी वायरल हो जाती है, इतने व्यूज आना शुरू होते हैं मिलियंस में। हाँ कैसे, एक साल से ज्यादा हो गया हमारे चैनल को, पर हमारे इतने व्यूज नहीं आ रहे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग भी वैसे ही व्लॉग्स बना रहे हैं जैसे लोगों के व्लॉग्स होते हैं, और हमारे क्यों नहीं थे, मतलब हमारा चैनल वायरल क्यों नहीं हो रहा? मिलियंस होते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करते हैं ऐसा कि उनके इतना मिनटों में चैनल वायरल हो जाते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या चाहिए? इधर आ जाओ, मैं और यहाँ हूँ, बाबा यहाँ बैठे हुए चीजें खा रहे जी ने वो तो। तो मैंने शुरू शुरू में ऐसे YouTube की काफी चीजें पढ़ी थी, तो ये बोल रहे थे बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये कि थंबनेल कहते हैं अच्छा होना चाहिए, तो व्लॉग चैनल जितने भी होते हैं उनका थंबनेल तो वही होता है जो हम लोग रूटीन में कर रहे होते हैं ना। वो समझता था कि वो सेलिब्रिटीज वगैरह जो होते हैं, हाँ उनका चैनल ग्रो करते हैं, हाँ ये मशहूर होते हैं लोग, हाँ पसंद सही होते हैं। हाँ तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग ये होते हैं कि वीडियो वायरल नहीं है, अरे ये वीडियो भी ऐसे बेतुकी वीडियोस के हवाले से मैं यही कह रहा था कि ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस वायरल नहीं है, समझ भी नहीं आता इतनी बेतुकी और इतने सारे व्यूज। हाँ ये तो है। अच्छा अली तुम ना वो कैपेसिटर ला देना मुझे दो तीन, ठीक है?
ताकि हम लोग ना वो फैन में वो लगवा लेंगे, और ये हमें लगाना है अभी एलसीडी जो कि यहीं रखा हुआ है, इतने दिन हो गए इसको ना, हमें लगाना चाहिए ना, काफी दिन हो गए, सही है ना। थोड़ा बहुत काम है अभी घर में ना, हमें वो करना है अभी आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता होता है, शिफ्टिंग करना कितनी मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल हो जाती है अभी शिफ्टिंग करना, बहुत मुश्किल। और हमने तो इतनी शिफ्टिंग की है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अच्छा आप सब लोग हमें ये बताएं कि आप सब लोगों का रमजान कैसा जा रहा है सबका, और है ना आपकी ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने तो काफी हद तक अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, और इंशाल्लाह अली ऐसी वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। अभी मैंने कहा कम्प्लीट हो जाए शॉपिंग, बच्चों के शूज वगैरह भी मंगवाए वो भी आ जाए, तो बच्चों के शूज तो कल मैंने ऑर्डर कर दिए थे ऑनलाइन ना, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो बस एक दो चीज़ रह गई है, उसके बाद ना मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, वो वीडियो स्पेशल अलग से ही बनाऊँगी मैं जिसमें सारे अपने ईद के ड्रेसेस वगैरह दिखाऊँगी, ठीक है। और आप सब लोग भी बताएं कि आप सबका जो ईद के आपकी शॉपिंग हो गई कैसी हुई, क्या हुआ, जो भी है आप हम लोगों से शेयर करें। और अभी हमने फाइनली सोचा कि हमने वीडियोस बनाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ हर महीने, मतलब हर महीने नहीं, हर डेली एक व्लॉग बनाना चाहिए, कोशिश करेंगे नहीं नहीं हाँ, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे भी बनाएंगे, टॉपिक्स बनाएंगे, आपका कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन हाँ वही जो भी है, क्या कह रहे थे सर, आपको कोऑपरेशन भी रहे तो अच्छे नाइस स्प्रेड करेंगे हमारे बिजनेस में। हाँ सर, हम कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब वीडियोस बनाते हैं जो सोचते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे तो चुप करके बैठ जाते हैं, हाँ पर इस तरह नहीं करना चाहिए, बस कंटिन्यू वीडियो बनाते रहो और अल्लाह ताला खुद ही कामयाब करेगा। हाँ हाँ हमारा चैनल वैसे जो है वो तो फैमिली व्लॉग चैनल है ना, मतलब हम लोग हाँ हाँ तो वैसे आजकल अली देखा तुमने कितनी महंगाई हो गई है, हाँ बाहर कितनी महंगाई हो रही है बहुत, और हर चीज के रेट इतने बड़े हुए, चिकन आजकल कितने का हुआ है, अच्छा बीच में अभी 1000 का भी हो गया था ना कुछ टाइम पहले, 800 का हो गया था, हाँ हाँ अच्छा हाँ चेक करते, और दूसरा ये हाँ हाँ लोग जो है वो खाली थे वो लोग चाह रहे थे कि सेल में कपड़े मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, सेल लगी हुई तो वहीं से कपड़े खरीदे, और आजकल इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी मतलब बहुत ज्यादा हर चीज के रेट बढ़े हैं। अच्छा लोग शॉपिंग करें या लोग खाना खाएं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप लोग क्या देखते हैं, मतलब आजकल आप लोग भी मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों की क्या राय है, वाकई मार्केट में रश आपको नजर आ रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जो कि पहले होता था इतनी इतना रश होता था मार्केट में और इतनी शॉपिंग हो रही होती थी लोगों की, है ना वो कितना वो भरे हुए होते थे मार्केट्स ना, रश इतना और मजे होते थे, लगता था कि रमजान है और शॉपिंग हो रही, आजकल तो भाई वो इतना फ्रूट्स इतने महंगे ना, उसी में लग जाता है कि हम लोग खाए पिए या शॉपिंग करें ना, बस हमने छोटे होते थे जो स्टॉल्स होते थे साइड में तो बैठे हमने छोटे होते थे हमने जितने स्टॉल्स होते थे पुरानी बात है 90s की जो है उधर स्टॉल होते थे रश इतना रश इतना रश चूड़ियां लगी हुई मेहंदी है हां बचपन में तो आंखें बहुत होता और नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे का स्टॉल लगे होते थे बच्चों के कपड़ों के ना रहते इतना रश होता था इतना रश होता था और रौनक ही होती थी अब मार्केट में इतनी रौनक ही नहीं होती वरना तो खड़े होने की जगह भी नहीं होती थी और आजकल तो लोग परेशान होते हैं ना